अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज भी हम लोग आए हुए हैं ग्रॉसरी करने स्पार। तो अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इन्होंने पैक करके भी ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, दालें वगैरह, और आप ख़ुद भी ले सकते हैं अगर आपने लेना हो। इनकी क्वालिटी देख के अच्छी चीज़ें होती हैं इनकी भी। और ये फ्रूट्स वगैरह के आ गया है, फ्रूट्स हैं, ये एग्स हैं। यहाँ पर सारी चीज़ वगैरह सामने, फ्रूट और वेजिटेबल के सामने जो है वो चीज़ और मिल्क और ये सारी चीज़ों का इनका बना हुआ सेक्शन। बेकरी है और ये फ्रोज़न आइटम है इनके। वैसे सारे जितने भी ग्रॉसरी स्टोर होते हैं तकरीबन एक जैसे ही मुझे लगते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा ना ही चेंज है क्योंकि वो बड़ा है, उसमें आपको ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है चीज़ों की, सेक्शंस बने हुए हैं। बाकी तो वही तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं। इनका मीट सेक्शन है, इनका मीट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बस ये है कि मुझे नई नई जगहों पे जाके और नए नए स्टोर से शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं हर दफ़ा कोई नया ग्रॉसरी स्टोर जाती हूँ और फिर शॉपिंग करती हूँ वहाँ से। थोड़ा बहुत तो चेंज हर जगह होता ही है। और इस दफ़ा मैंने, वैसे तो मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किए हुए स्पाइसी नूडल्स जो कोरियन आए हुए हैं, और इस दफ़ा 2-3 ब्रांड्स और भी थी वो भी लिए, ट्राई किए, बहुत स्पाइसी हैं, खाए भी नहीं जाते। अच्छा, ये आ गया बेकिंग का सारा सामान है, और मुझे बेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं ये ज़रूर लेती हूँ। बहुत मुझे अच्छा, मुझे रीज़नेबल भी लगता है और मज़े के भी बहुत बनते हैं। और 3 से 4 दफ़ा आप बना लें और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अभी आ गए 3 शीशे के जार्स आ गए थे, ये बहुत अच्छे ब्यूटीफुल से है ना, अगर आप किचन में कुछ भी इस तरह से इसमें करके टेबल पर भी रखें तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ड्राई फ्रूट टेबल पे आप रख लें ऐसी बॉटल्स में करके, तो कितना ब्यूटीफुल सा लगता है। और बच्चों के लिए मुझे लेना था वाटर बॉटल और लंच बॉक्स, बट मुझे दोनों ही अच्छे नहीं लगे, छोटे लगे। और स्टेशनरी का तो क्या कहना, हर हफ्ते ही लेनी पड़ती है। मेरे ख्याल में जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो तो इस बात से मेरे एग्री करेंगे कि एवरी वीक जो है ना बच्चों को वो स्टेशनरी चाहिए होती है, कि कभी पेंसिल, रोज़ आना, एक तो नई पेंसिल, नई रेजर, फिर पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि बच्चे कहाँ फेंक के आते, रोज़ आना दो फिर भी। अच्छा, अब ये हम आ गए हैं, सारा फ्रोज़न सामान है यहाँ पे, नगेट्स हैं, बर्गर पेटी है, बड़े इनके पास जो है ना ह्यूज वैरायटी थी फ्रोज़न की। बट मैं फ्रोज़न बच्चों को इतना देती नहीं हूँ ना, घर में ही बना लेती हूँ। वैसे आप देखें ना, आजकल इतने मज़े मज़े के मसाले आ गए हैं, अगर चिकन में आप मैरिनेट करके रख दें तो वो इतने इजीली बन जाते हैं घर में। और मैं इंशाल्लाह नगेट्स बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी, वो भी इतना ईजी है आजकल, तो मशीनें भी आ गई हैं, मसाले भी। फिर मेरे ख्याल में फ्रोज़न नहीं बच्चों को देने चाहिए। हाँ, अगर नहीं हो मजबूरी है, तबीयत ठीक ना, तो फिर तो चलता है, लेकिन वैसे जो है ना मेरे ख्याल में तो बच्चों को नहीं देने चाहिए। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग देते हैं, यूज़ करते हैं, कौन सी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं फ्रोज़न की। मुझे तो समझ ही नहीं आती, और पराठे वगैरह फ्रोज़न के तो खाते ही नहीं हैं ये लोग। अब ये ब्यूटी का सारा सामान है, क्या था उसके सामने है मिम्सो, ये मिम्सो में क्लिप वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों की बड़ी क्यूट क्यूट सी वैरायटी थी ना। और इनका कुछ ऑफ वगैरह भी लगा हुआ था, कोई 15% आई थिंक इसी तरह का कुछ ऑफ था, तो हमने ज़रूर, मैंने हिर्जा के लिए लिए क्लिप वगैरह सारी चीज़ें ली, और उमर के लिए बिल्कुल हमने टॉयज़ नहीं लिए क्योंकि उमर थे नहीं हमारे साथ, अगर होते तो लाजमी फिर हमें लेना पड़ता है, और फिर पता है वो सेटिस्फाई नहीं होते अगर हम ले के आ जाए ना, तो उसको कहते हैं अच्छा आपने तो ये ले लिया ना, ये तो मुझे ये नहीं चाहिए था, और जो है ना आपने ये क्यों लिया। फिर उन्होंने अपने लिए खुद भी लेना होता है, इसलिए मैंने कुछ भी उस नहीं लिया। और ये बड़ी बड़ी अच्छी सी और क्यूट सी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, मैंने भी ली इनमें से, इनकी बहुत अच्छी और क्यूट चीज़ें, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट मैंने इनका कॉस्मेटिक्स नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरे पास मेरा अभी है और मैं इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती इसलिए।
और ये बच्चों की कीचेन्स थी, बहुत प्यारी प्यारी सी। अच्छा, इनके अचार भी बहुत अच्छे हैं, जो इनके अपने हैं अचार स्पार्क के, तो वो भी बहुत अच्छे मज़े के होते हैं। मैं लेती हूँ और चटनियाँ वगैरह इनकी अपनी होती हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती हैं। ये मग्स हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके तो ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ताकि मैं फिर नेक्स्ट कहीं ग्रॉसरी किसी और नए स्टोर में